जिन्नात के असर से भी बीमारियां होती हैं, खास तौर से ताउन के बारे में हदीस में आया है। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناء امتي بالطعن والطاعون, मेरी उम्मत की मौतें तान और ताउन की वजह से होंगी। तान जंग में जख्म लगना या कोई जख्म पहुंचना, चोट आना, उसमें मर जाना, और इसी तरह से ताउन की बीमारी। तो तान और ताउन, ताउन का लफ्ज भी तान से बना है। तान का मतलब होता है कुछ चुभो देना, जैसे खंजर है, छुरी है, कोई इंसान की जिस्म में चुभो दिया जाए उसको तान कहते हैं। तो तान और ताउन से मेरी उम्मत की मौतें होंगी। वकील या रसूल अल्लाह قد عرفناه, साहब ने कहा कि रसूल तान तो हम जानते हैं, कोई आदमी जंग में है या किसी कोई आदमी मजलूम है, उसको मार डाला किसी ने छुरा घोंप के, या कोई जंग में लड़ रहा है और उसको तलवार या तीर आके उसके जिस्म में घुस गया और मर गया। तो कहा कि हा तान قد عرفناه, अल्लाह के रसूल तान तो हम जानते हैं, जख्म से मरना हम जानते हैं। फम ताउन, ये ताउन क्या है? قال وقز اعدائكم من الجن وفي كل شهداء, आपने फरमाया ताउन क्या है? ताउन जिन्नात का तुमको कुछ चुभो देना, तुम्हारे दुश्मन जिन्नों का। इसीलिए उलमा ने कहा कि सिमराज कुफार जिन है, शयातीन है, और बाद उलमा ने यह भी कहा कि सिमराज शरीर जिन है। तो तुम्हारे दुश्मन जिन्नात का तुमको कुछ चुभो देना, وَخْزُ أَعْدَائِكُمُ الْجِنِّ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ, तुम्हारे दुश्मन जिनों में से उनका तुमको कुछ चुभो देना। वख्ज़, उलमा ने कहा कि वख्ज़ उसको कहते हैं कि जैसे कुछ चुभो दिया, पूरा घोंप नहीं दिया जैसे खंजर, बस जैसे कुछ चुभो दिया, हल्का सा कुछ चुभो देना जो पूरी तरह से अंदर न चला जाए, जिसमें घुस न जाए खंजर की तरह, उसको वख्ज़ कहते हैं। तो जिन्नात जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो तुम्हें कुछ चुभो देते हैं, उससे ताउन की बीमारी समाज में आती है। وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ, और आपने फरमा वफी कुल शुहदा, जंग में लड़कर या मजलूम किसी के कत्ल से मरने वाला वो भी शहीद है, और फरमाया कि ताउद में मरने वाला वो भी शहीद है। वफी कुल शुहदा, दोनों तौर पर मरने वालों में शहीद है, ये दोनों के दोनों शहीद हैं। इस हदीस को इमाम अहमद और तबरानी ने रिवायत किया है, तबरानी ने अल कबीर में और अल औसत में, और सहील जामे सगीर में शेख अल अल्बानी ने इस हदीस को सही कहा है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि ताउन की बीमारी की असल जिन्नात का मोमिनीन को, मोमिन बंदों को कुछ चुभो देना होता है। कैसे होता है हम नहीं जानते। बाद उलमा ने कहा कि ये अल्लाह का अजाब भी होता है और जिन्नात के जरिए से आता है, कि जो हिफाजत का निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शयातीन से रखा है, अल्लाह ताला उसको बंदों से हटा दें और फिर वो उनको कुछ चुभो दें और फिर ताउन की बीमारी उस समाज में आम हो जाए। तो ये अजाब भी होता है और शयातीन की तरफ से भी होता है, और कभी शयातीन इस तरह से दुश्मनी निकालने के लिए मोमिन बंदों को और उस समाज में इस तरह से करते हैं, और अल्लाह ताला तकदीर की वजह से, बंदों की तकदीर होती है और अल्लाह ताला फैसला करता है कि ये तकलीफ पहुंचे और शहादत बंदों को नसीब हो और बंदों के लिए ये खैर बने आखिरत के एतबार से, तो कभी अल्लाह ताला इस एतबार से भी उस बीमारी को फैलने देता है। तो कहा कि तुम्हारे दुश्मन जिन्नात के तुमको कुछ कचो के लगाना, जिसको आप कहेंगे चुभो देने की वजह से भी ये बीमारी फैलती है। तो ये असबाब है जो हमने ताउन के और वबाओं के और बीमारियों के हैं, इनको देखा।